वेलकम टू नेहा रियल व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो फेशियल मास्क और पैक, जो आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कच्चे आलू से अपने फेस की प्रॉब्लम को दूर, तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पोटैटो यानी कि आलू हमारे शरीर और हमारे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और पोटैटो में मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पता है हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसका यूज़ कैसे और किस तरह करना चाहिए वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी परेशान हैं अपनी स्किन की कई प्रॉब्लम से, जैसे आपकी आँखों के नीचे आने वाले डार्क सर्कल से, डार्कनेस से आपकी स्किन अगर डल हो चुकी है, आपकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन रफ हो चुकी है, और अगर आप एक्ने से परेशान हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आलू के यानी कि पोटैटो के ज़रिए आप ऐसा फेस मास्क या पैक बना सकते हैं जो आपकी स्किन की इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। और अगर आप इस पैक को कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही जल्दी शाइनी स्मूथ होती जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि पोटैटो फेशियल मास्क को कैसे बनाना है और इसे किस तरह अपने फेस पर अप्लाई करना है। चलिए बात करते हैं अपने पहले फेस मास्क की, जो हमें बनाना है पोटैटो और हनी से। और इसके लिए हमें लेना होगा एक बाउल, और उसमें ऐड करना होगा 3 बड़ी चम्मच आलू के रस, 2 बड़ी चम्मच शहद, और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे आप अपने फेस पर अप्लाई करें। आफ्टर 10 to 15 मिनट, जब ये मास्क आपके फेस पर अच्छे से सूख जाएगा, तो आप इसे नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से धो लीजिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको ये मास्क या पैक को दिन में एक बार डेली यूज़ करना है। हमारा दूसरा जो मास्क है वो है पोटैटो एंड राइस फ्लावर पैक और मास्क। इसे बनाने के लिए आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच आलू का रस, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच शहद, और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है और आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके आपको एक डार्क पेस्ट बनाना है। आपको इसे पतला नहीं बनाना है, डार्क पेस्ट रखना है, और इस डार्क पेस्ट को आप अपने फेस और नेक पर अप्लाई करेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये मास्क यानी कि पैक आपके फेस पर अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद आपको अपने हाथों में हल्का पानी लेकर उसे अपने चेहरे पर लगाना है। जैसे आप बिल्कुल स्क्रब करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपको स्क्रब करते हुए इस मास्क को अपने फेस से हटाना है, और फिर नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है।
हमारा तीसरा जो फेस मास्क है वो है पोटैटो टोमेटो फेस मास्क, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच आलू का रस, 1 बड़ा चम्मच टमाटर का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद। आप रस की जगह इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। वो बनाने के लिए आपको आलू और टमाटर की जितनी मात्रा आपको फेस पे लगानी है उतना लेके आप ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप परेशान हैं एक्ने की प्रॉब्लम से, हमारे फेस में जो पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्लोज हो जाते हैं तो हमारे फेस को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये मास्क आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप इस मास्क को दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।